हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल एस्ट्रल रिव्यूज़। और मैं हूँ सुप्रिया। तो आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, आज के जो वीडियो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। मैं जो आपसे शेयर करने जा रही हूँ वो सब चीज़ें आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आपके लिए आज का टॉपिक आप लोगों के लिए है जो नया चैनल बनाना चाहते हैं या यूट्यूब पर नए हैं, जो सोच रहे हैं, जो चैनल बना चुके हैं लेकिन उनका चैनल अभी मोनेटाइज नहीं हुआ है। तो दोस्तों, ये सब मैं आज अपने इस वीडियो में आपसे शेयर करूंगी। जो मैं आपको बताऊंगी वो इस वीडियो में मैं पूरा आपको डिटेलिंग में बताऊंगी कि मेरा चैनल कितने टाइम में मोनेटाइज हुआ है, कैसे मोनेटाइज हुआ है, मैंने क्या किया है ऐसा, और मेरे सब्सक्राइबर कितने थे जब मेरा चैनल मोनेटाइज हुआ। और जैसे कि आप जानते हैं कि मोनेटाइज करने के लिए वॉचार्स भी चाहिए हैं, जो कि 4000 वॉचार्स होने चाहिए। तो वो मेरे कैसे हुए ये सब मैं आपको डिटेलिंग में बताऊंगी। तो आप मेरे इस चैनल पर बने रहें, इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि लोग इसको देखें और उनको भी बेनिफिट हो, जो नए हैं, जो अभी इनिशियल स्टेज पे हैं, जिनका चैनल मोनेटाइज नहीं हो पा रहा है, उनका मैं इन सब में बताऊंगी कि उनका चैनल मोनेटाइज क्यों नहीं हो पा रहा है। तो चलिए हम लोग आज इसी टॉपिक पर बात करते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि मेरा जो चैनल है वो मोनेटाइज हो गया है, मेरे वॉचर्स, मेरे सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए हैं, इसलिए मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ, क्योंकि आजकल क्या होता है ना कि हम YouTube पर कुछ भी सर्च करते हैं तो वो बहुत सारी चीज़ें हमें दिख जाती हैं। हम अगर ये सर्च करेंगे कि हाउ टू गेट मोनेटाइज आर चैनल, तो उसमें आपको बहुत सारी चीज़ें दिख जाएंगी। या आप सर्च भी ना करें तो बहुत सारी वीडियोज़ आपको YouTube पर दिखती हैं, जो कि बताती हैं कि ऐसे हमने बहुत सारे चैनल्स को हमने देखा है मोनेटाइज होते हुए, जो कि कॉपी पेस्ट करके मोनेटाइज कर रहे हैं, इन्होंने देखिए मोनेटाइज कर लिया है, ये सिर्फ कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, या अपनी शक्ल दिखाए बिना ये मोनेटाइज हो गया है, ये वीडियो बनाते हैं बिना शक्ल दिखाए, बिना कॉन्टेंट, बिना किसी चीज़ के मोनेटाइज हो गए हैं, इतनी अर्निंग हो गई है। तो दोस्तों, इन सब बातों पर बिल्कुल ना जाएं, क्योंकि ये सब बातें बिल्कुल बेबुनियाद हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। बिना कुछ किए, बिना कुछ अचीव किए आपको कुछ भी नहीं मिलता है, बिना कोई मेहनत के कोई चीज़ आज के टाइम पर नहीं मिलती है। तो दोस्तों, मैं आपसे वही बताना चाह रही हूँ कि आप इन सब चीज़ों से बचें। मेरा जो चैनल है वो ऑर्गेनिकली हम लोगों ने मोनेटाइज कराया है, बिना किसी हेल्प के। जो भी यूट्यूब का रूल्स होते हैं हम वो सब फॉलो करते हैं। तो मैं आपको वो सब चीज़ें बताऊंगी कि आपको क्या करना है अपना चैनल मोनेटाइज करने के लिए। सबसे पहले आप अपना चैनल क्रिएट करें, और अगर आपको अपना चैनल क्रिएट नहीं करना आता है तो आप मुझे कॉमेंट करें, और अगर आप कॉमेंट कर सकते हैं तो आपको चैनल क्रिएट करना भी आता है। वही मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि अगर हम कमेंट करना जानते हैं, हम कमेंट करते हैं, हम कमेंट पे रिवर्ट करते हैं, तो इसका मतलब है कि हम लोगों को चैनल क्रिएट करना आता है। तो आप अगर आपने चैनल क्रिएट किया है, जो कि राइट साइड में हम क्लिक करते हैं और उस पे क्रिएट चैनल आता है, उसमें आपको करना ये है कि आपको एक अच्छा सा नाम रखना है अपने चैनल का, उस पे डिस्क्रिप्शन देना है कि आपको किस चीज़ में, किस कंटेंट में आपको अपना चैनल बनाना है, वो क्रिएट करना है, छोटा सा डिस्क्रिप्शन देना है, एक बैनर बनाना है। उसके बाद आपकी जो मेहनत है, मैं आपको 100% श्योरिटी दे रही हूँ कि आपकी जो मेहनत है वो रंग ज़रूर लेकर आएगी। आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होगी, आपको किसी इधर उधर भागने की ज़रूरत नहीं होगी। इतने सारे वीडियोस देखकर जो लोग बोलते हैं कि ऐसे कर लो, ये कर लो, वो कर लो, ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा, और हमारे माइंड में भी आता है कि अरे बाप रे, इसने इतने पैसे कमा लिए हैं अभी तक यूट्यूब से,
और मेरा तो कुछ भी नहीं हुआ। तो दोस्तों थोड़ा सा सब्र रखना पड़ता है, और मैं जहाँ तक जानती हूँ कि ये सब चीज़ें एकदम बेबुनियाद होती हैं, कि एकदम से मनी आना शुरू हो जाती है और दिन रात आप वर्क करो और उस पर, है ना, एक रात में वायरल हो जाती है वीडियोस और फिर उसमें पैसा आना शुरू हो जाता है, एक रात में आप 14 लाख 15 लाख रुपीज़ कमा लेते हो। ऐसा कुछ भी नहीं है, चैनल मोनेटाइज होता है लेकिन मनी भी उसके हिसाब से ही आती है। और जो ये सब क्रिएटर्स आपको वीडियोस बताते हैं या आप जिनकी वीडियोस देखते हैं, उनका हमेशा प्रोफाइल में जाएं और देखें उनके कितने सब्सक्राइबर्स हैं, कितनी उनकी वीडियोस पर व्यूज़ आते हैं। वो लोग ये वाला वीडियो तब तक नहीं बनाते हैं जब तक उनकी वीडियोस पर व्यूज़ नहीं बढ़ जाते हैं। ऐसा नहीं है उनकी वीडियो पर 15, 16 या 18, 20, 50, 100, 1000 इतने व्यूज़ आते हैं तो वो चैनल को अपने प्रमोट करते हैं या आपको वीडियो बनाते हैं। ऐसा नहीं है, आप देखें उनके मिलियंस में, लाख्स में फॉलोअर्स होते हैं, उनके लाख्स में व्यूज़ आते हैं, तो वो आपको ज्ञान दे रहे होते हैं कि आप ऐसा कर लें। और वो पूरा वीडियो आप देखें उसमें कुछ भी नहीं बताते हैं, कोई ऐसी चीज़ नहीं होती है कि आपको कोई अलग से उन्होंने कोई चीज़ बताई है कि आपकी ऐसे वायरल हो जाएगी, आप ऐसे 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 स्टेप फॉलो करें और वो वायरल हो जाएगी। ऐसा कुछ भी नहीं होता है दोस्तों, आपको सबसे पहले अपना कंटेंट सर्च करना पड़ेगा। आप अपना खुद का कंटेंट सर्च करें, किसी का भी कॉपी पेस्ट ना करें। मैं बार बार आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ किसी का भी चीज़ कॉपी पेस्ट ना करें, क्योंकि ये भी एक रीज़न होता है जो कि आपका चैनल मोनेटाइज नहीं होता है, नहीं हो पाता है। क्योंकि YouTube में क्या है ना कि अगर आपके 2 या 3 वीडियो पे कॉपी पेस्ट कॉपीराइट आ गया ना तो वो मोनेटाइज नहीं करता है, वो डिक्लाइन कर देता है आपका। अगर वॉच आवर्स भी बढ़ जाते हैं तो भी आपका मोनेटाइज नहीं हो पाता है। और ये चीज़ कोई भी वीडियो जो बनाते हैं ना कि इनका इतने व्यूज़ आ रहे हैं, इतने फॉलोअर्स हो गए हैं तो भी इनका मोनेटाइज नहीं हुआ, वो ये चीज़ नहीं बताते हैं आपको कि क्यों नहीं हुआ है। वो इसलिए नहीं होता है क्योंकि वो कॉपीराइट आपके चैनल पे आ जाता है, आपकी वीडियो पे आपकी कॉपीराइट आ जाता है YouTube की तरफ से। तो सबसे पहले आप अपना कंटेंट, अपना थॉट, अपना जो भी आपको करना है YouTube पे, जो भी आपने सोचा है, जो भी आपका इंटेंशन है, जो भी आपने सोचा है कि मैं इस चीज़ पर वीडियो बनाऊंगा या बनाऊंगी, तो आप उसको पहले पूरा अपने माइंड में सेट करिए। और अगर आपको किसी भी एडिटिंग में, किसी भी सॉफ्टवेयर में प्रॉब्लम आती है तो मुझे कमेंट करें, मैं ज़रूर से आपकी हेल्प करूंगी। बस करना यही है कि आपको यूट्यूब के सारे रूल्स फॉलो करने हैं। सेकेंड थिंग, आपको जो भी कंटेंट बनाना है उसमें थोड़ी सी आपको एडिटिंग सीखनी है, जो कि आप अपने फ़ोन को यूज़ करिए, क्योंकि जब हम किसी चीज़ को यूज़ करते रहते हैं ना फ्रेंड्स, तो हम उसमें एक ना एक दिन तो इतना हो जाते हैं कि हम अपना काम तो चला लें। मेरे साथ भी वैसा ही था, मैं बिल्कुल भी यूज्ड टू नहीं थी इन सब चीज़ों के लिए, लेकिन मैं करते रहती हूँ, पूरा दिन मैं यही करती हूँ। मैंने अपनी जॉब भी इसके लिए छोड़ी है क्योंकि मुझे कुछ नया करना है, मुझे वो सब नहीं करना है जिसमें मैं सिर्फ एक थॉट प्रोसेस लेके चलती हूँ कि बस मेरे को इसी रास्ते पर चलना है, मेरे को अपना कुछ भी नहीं करना है। तो मैंने इसलिए अपना जॉब भी इसके लिए ही मैंने छोड़ा है, क्योंकि जब मैं जॉब करती थी ना, मेरे को इन सब चीज़ों के लिए टाइम नहीं मिलता था और मैं इतना यूज्ड टू भी नहीं थी इन सब में, एडिटिंग में। और आपके पास इतना टाइम नहीं होता है अगर आप जॉब कर रहे हैं तो, कि आप टूल्स सर्च करें या बहुत सारी चीज़ें होती हैं ना वो सब कर पाएँ, क्योंकि टाइम नहीं मिलता है। तो मैंने इन सब के लिए अपना फ़ोन यूज़ करना शुरू किया है। दोस्तों आप भी अपने फ़ोन को यूज़ करना शुरू करें, एडिटिंग शुरू करें। गूगल पे बहुत सारे टूल्स हैं आपको जो फ्री डाउनलोड हो जाते हैं, फ्री चीज़ें हो जाती हैं, और अगर आपको इन सब में प्रॉब्लम आती है तो मैं आपको फ्री में शॉर्ट्स एडिट करके दूँगी। आप मेरे को कॉन्टैक्ट करें, मेरे को कॉमेंट करें, मैं आपके लिए एडिट करूँगी, वो भी एकदम फ्री, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि सबकी हेल्प हो। तो अब आते हैं हम कि आपका मोनेटाइज कैसे होगा।
जैसे कि मेरा हुआ है। देखिए, मेरा जब मोनेटाइज हुआ ना, मेरा चैनल मोनेटाइज हुआ, तब मेरे सिर्फ 1400 सब्सक्राइबर थे। वॉच आवर्स ऑब्वियसली मेरे 4000 हो गए थे, इसलिए मेरा मोनेटाइज हुआ है। कोई कॉपीराइट नहीं था। उसी में टाइम मुझे पता चला कि कॉपीराइट अगर आ जाता है दो या तीन बार, बहुत बार होता है कि सिंगल कॉपीराइट आने पर भी यूट्यूब मोनेटाइज नहीं करता है, आपके चैनल को डिक्लाइन कर देता है, मोनेटाइज नहीं करता है। तो इस चीज़ का ज़रूर से ध्यान रखें कि आप कॉपी पेस्ट वाली वीडियोस बिल्कुल भी ना देखें, और देखें तो अपने माइंड में बिल्कुल भी ना रखें कि हम ये कॉपी पेस्ट करेंगे और हमारा मोनेटाइज हो जाएगा या हमें कल रात से ही पैसे आना शुरू हो जाएंगे। तो दोस्तों, इन सब चीज़ों में बिल्कुल भी ना पड़ें, ऑर्गेनिकली अपने चैनल को ग्रो करें। और देखिए, जब चीज़ें अपनी मेहनत से मिलती हैं ना, तो ज़्यादा अच्छा लगता है। क्योंकि आज मैं इतनी खुश हूँ ना, मैं आप लोगों को बता नहीं सकती हूँ कि हमने जो भी मेहनत की है वो हमें हमारे सामने आई है, और हमने किसी की हेल्प नहीं ली है, हमने कोई ऐसा चीज़ नहीं की है कि हम है ना इतना भागें कि अरे हमें तो आज ही मोनेटाइज कराना है अपना, और हमने बहुत सारी चीज़ें कर दी हैं। हमने एक ही चैनल बनाया है, हमने चैनल का, आप मेरे चैनल पे जाइए, आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी, हाउस रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें हैं, जो बहुत सारी चीज़ें मेरे हस्बैंड को पसंद आती हैं, मतलब उनको बहुत ज़्यादा नॉलेज है जिन चीज़ों के लिए, वो भी हैं। फिर मेरा भी शौक़ है डेकोरेशन वगैरह, तो हमने वो चीज़ फॉलो की है अपने चैनल पे, जो कि है एक फैमिली चैनल। मैंने अपना जो चैनल बनाया है वो एक फैमिली चैनल है, उसको हर कोई एज का देख सकता है। इसलिए मैंने, मेरा थॉट प्रोसेस यही था कि मेरे चैनल सब तक पहुँचे, मतलब मेरा जो थॉट है वो सब तक पहुँचे, इसलिए मैंने अपना चैनल क्रिएट किया है। और दोस्तों, आपके सामने है, 5 महीने में मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया है। तो मैं चाहती हूँ कि जैसे मैंने अपना अचीव किया है गोल, आप लोग भी अचीव करें। लेकिन मैं वापस वही बोलूँगी, किसी भी कॉपी पेस्ट पे या किसी के भी बहकावे में मत आइए कि आज रात में ही, 2 घंटे में ही ये सब हो जाएगा, सब्सक्राइबर आ जाएंगे, और बहुत सारे एड्स होते हैं कि इन सब से सब्सक्राइबर आ जाएंगे। ऐसा कुछ भी नहीं होता है दोस्तों, उसमें आप अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, वेस्ट हो रहा है वो मनी, तो आप पैसा लगा रहे हैं, आपको अर्न नहीं हो रहा है। तो आप ऐसे काम बिल्कुल ना करें, आप ऐसी चीज़ों पर बिल्कुल भी ना जाएं। तो आप ऑर्गेनिकली हमारी तरह अपने चैनल को ग्रो करें, और जो भी चीज़ें आपको लगती हैं, जो आपको समझ नहीं आ रही हैं, या आपको लगता है कि मुझसे कुछ छूट गया है और आपके माइंड में है, तो प्लीज़ मुझे कॉमेंट करें, मैं आपकी हर एक चीज़ को क्लियर करूँगी। मैं आपकी, जहाँ तक मुझसे हो सकता है, मैं आप लोगों की हेल्प करूँगी। और जैसा कि मैंने बोला, आपको अगर एडिटिंग नहीं आती है तो मैं शॉर्ट मूवीज़ आपके लिए एडिट करूँगी विदाउट एनी मनी, फ्री में मैं आप लोगों के लिए एडिट करूँगी। तो आप मुझे कमेंट करें, मैं जहाँ तक आप लोगों की हेल्प हो सकती है करूँगी। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो दिल से आपका बहुत 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 बार धन्यवाद, और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ये वीडियो बहुत सारे लोगों तक पहुँचे जो कि अभी इनिशियली ग्रो हो रहे हैं, इनिशियली ग्रो होना चाहते हैं और अपना चैनल क्रिएट करना चाहते हैं। जिनको ये भी बताया जाता है कि अरे इन्होंने तो इतनी सारी वीडियोस डाल दी हैं और इनका चैनल तो, इनको तो क्रिएट ही नहीं करना आया है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। अगर हमने क्रिएट किया है, हमने वीडियोस डाली हैं, तो मतलब हमें कुछ तो आता है। तो हमें इतना तो ज्ञान ना दें कि हमें कुछ भी नहीं आता है। बहुत सारे होते हैं ना यूट्यूब पे, कि आजकल बहुत ज़्यादा चल रहा है, ट्रेंडिंग है, कि अरे एक को पकड़ लेते हैं और वो बोलते हैं कि देखिए इन्होंने इतनी सारी वीडियोस डाल दी हैं लेकिन इनका तो चैनल मोनेटाइज नहीं हुआ है, क्योंकि इनको चैनल क्रिएट नहीं करना आता है। भाई, चैनल सबको क्रिएट करना आता है। जिसने चैनल क्रिएट किया है, जिसने वीडियोस डाली हैं, इट मींस कि उसको चैनल क्रिएट करना आता है, उसने वीडियोस डाली हैं, है ना, उसने मेहनत की है, तो उसको वो चीज़ें बताइए जो उसके लिए हेल्पफुल हों। उसको इतना डीमोटिवेट मत करें कि वो बेचारा अगली बार सोचे कि यार मुझसे क्या गलती हो गई है, मैंने क्या ऐसा किया है। तो आप डीमोटिवेट ना हों अगर किसी का चैनल मोनेटाइज नहीं हुआ है। आप सबका मोनेटाइज होगा। आप मेरे को कमेंट करें, मैं जितनी भी हेल्प कर सकती हूँ मैं आप सबकी हेल्प करूँगी।
तो अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करें और मेरे वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू, बाय बाय।